बोले चूड़ियां बोले कंगना, हाय में हो गई तेरी साजना। ये गाना है आइकॉनिक फिल्म कभी खुशी कभी गम का, जो कि एक मल्टी स्टारर फैमिली ड्रामा फिल्म थी, जिसे आइकॉनिक बनाया अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक और करीना कपूर जैसी बड़ी स्टार कास्ट ने। सभी ने अपने अपने किरदारों के साथ फिल्म की कहानी को बड़ी ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा, जिसके चलते फिल्म को देखने वाले हर दर्शक ने खुद को फिल्म से रिलेट पाया। इसलिए तो फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई थी कि आज भी लोग इसे जरूर देखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खबरों के मुताबिक जल्द ही इस फिल्म का पार्ट 2 आने वाला है, यानी कि कभी खुशी कभी गम 2 मूवी हमें मिलने वाली है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म के सीक्वल से जुड़ी सभी जानकारी देने वाले हैं कि आखिर कौन सी होगी इसमें स्टार कास्ट, क्या कहानी होगी और फिल्म कब तक आएगी। अगर आप भी फिल्म से जुड़ी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही इस फिल्म के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साल 2001 में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम करण जौहर के निर्देशन में बनी यशराज प्रोडक्शन की सबसे हिट फिल्मों में से एक है, जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जया बच्चन, करीना कपूर, ऋतिक रोशन और काजोल जैसे हिट स्टार कास्ट ने इस फिल्म में एक साथ काम किया था। फिल्म की कहानी पूरी तरह पारिवारिक मुद्दे पर बनी थी कि कैसे एक अमीर लड़के और छोटे घर की लड़की जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन्हें एक होने से रोका जाता है, पर दोनों सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करते हैं, जिससे नाराज होकर उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। पर अंत में आखिरकार अमिताभ बच्चन बने यश, रोहन बने शाहरुख खान और अंजलि बनी काजोल से माफी मांगते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। फिल्म की यही पारिवारिक इमोशनल स्टोरी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी, जिससे कि फिल्म एक हिट फिल्म बन गई थी। इसलिए तो 19 साल के बाद भी इस फिल्म की कास्ट, डायलॉग्स, गाने और सीन्स आज भी आइकॉनिक हैं, जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। पर खबरें हैं कि करण जौहर इस हिट फिल्म का सीक्वल जल्द ही लाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी पर काम शुरू हो गया है और फिल्म पहले की तरह ही पारिवारिक ड्रामा होने वाली है। खबरों की माने तो फिल्म के सीक्वल में पिछले फिल्म के आगे की कहानी दिखाई जाएगी, यानी कि राहुल और अंजलि के बच्चों की कहानी। बेटे कृष के बारे में इसी बीच उन्होंने एक बेटी को भी गोद लिया है, तो उन पर कहानी होगी। वहीं बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की, तो मेन लीड रोल में शाहरुख खान और काजोल फिल्म में होंगे। वहीं उनके बेटे कृष का किरदार बड़े होने पर सैफ के बेटे इब्राहिम अली खान निभाएंगे, जिनके ऑपोजिट शाहरुख की बेटी सुहाना खान होंगी। वहीं राहुल और अंजलि की गोद ली हुई बेटी का किरदार अजय देवगन की बेटी न्यासा देवगन निभाएंगे, जिनके ऑपोजिट कार्तिक आर्यन होंगे। तो ये है फिल्म की स्टार कास्ट। फिलहाल अभी इनमें से किसी ने भी फिल्म के लिए हामी नहीं भरी है और फिल्म की कहानी पर भी काम चल रहा है, जिससे कि फिल्म को आने में अभी काफी समय लग सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नई स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म हिट हो पाएगी या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।